गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच था और जिस तरीके से किसी ने भी इसको मैच को सीरियस नहीं लिया होगा, जिस तरीके से क्राउड ने भी सीरियस नहीं लिया होगा इस मैच को, क्राउड बहुत कम था, इसी तरीके से एज ए स्पेक्टेटर मैंने भी आया और हम पाकिस्तानी ने भी इस मैच को सीरियस नहीं लिया था क्योंकि हमने कहा यार एक मैच होगा, वन साइडेड मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा देगा, पर हमारी एक्सपेक्टेशन ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले किया बैटिंग का फैसला और अफगानिस्तान ने कहा कि भाई इस पिच के ऊपर अगर हम 270-280 रन कर लेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को फंसा देंगे क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड बेस्ट स्पिनिंग अटैक है। ये हम भी उस अफगानिस्तान के कैप्टन के साथ एग्री करते थे कि उसने सही बात करी। तो जिस तरीके से बैटिंग का स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान ने 30 ओवरों में 130-140 रन बनाए तो हमने कहा यार ये स्कोर तो जाएगा मैक्सिमम 200-250 पे, क्या ही कर लेगा अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान की बैटर्स ने एंड के 5 ओवरों में 66-70 रन मारा, स्कोर पहुंचा दिया 292 रन का। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की, जैसे कि हम सबको पता है जिस बैटिंग लाइनअप ने हमारा भुर्गस बना दिया था उसी बैटिंग लाइन की बारी आती है। डेविड वॉर्नर और मिच मार्श, हमने ये एक्सपेक्ट किया था जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर हारिस ऑफ की बर्बादी कर दी, शाहिन शाह अफरीदी की बर्बादी की थी, उसी तरीके से आज ये इनकी भी बर्बादी करेंगे, लेकिन नहीं भाई ऐसा हुआ ही नहीं। उनके नवीन ने 2 विकेटें ले ली, उसके बाद फिर वॉर्नर भी किया, उसके बाद इंग्लिश आया वो भी किया, तो भाई कुल मिलाकर 50 रन पे अफगानिस्तान ने 4 खिलाड़ी आउट करके, इमेजिन करो यार अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी था और एक टाइम ऐसा है कि 91 पे 7 खिलाड़ी आउट। तो मुझे ये लगा कि मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्या ही कर लेगा, 150 ही बना लेगा, तो आज मुझे लगा कि अफगानिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है रन रेट को अच्छा करने का, तो अफगानिस्तान यहाँ से जो है रन रेट अपना ऊपर अच्छा करेगा और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 100-150 रन से आज शिकस्त दे देगा। लेकिन कुदरत का निजाम जिसके सामने किसी की नहीं चलती और कुदरत को आज क्या मंजूर था और किसी को नहीं पता था, ग्लेन मैक्सवेल जब क्रीज पे आते तो बहुत डर 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 के खेलता, उसने LBW की अपील होती है और अपील पे वो आउट करार दे दिया जाता है, लेकिन जब अंपायर्स रिव्यू लेते हैं वो DRS का तो उसमें पता लगता है कि विकेट मिसिंग थी बॉल, तो ग्लेन मैक्सवेल वैसे तो पिच छोड़ के जा ही रहा होता है लेकिन जब विकेट मिसिंग आता है तो विकेट पे वापस आ जाता है। उसके अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल का एक कैच निकलता है और पीछे मुजीबुर रहमान वो कैच छोड़ देता है, उसका ग्लेन मैक्सवेल होता है तकरीबन कोई 20-25 रन के ऊपर, तो बस वही कैच था जहां से मैच हो गया पूरा टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को कोई नहीं रोक पाया, ना आंधी रोक पाई, ना तूफान रोक पाया, ना राशिद खान, ना मुजीब, ना नबी, ना अजमत, ना नवीन, जो भी बॉलर हो कोई रोक नहीं पाया और मैक्सवेल ने इस तरीके से अपनी सेंचुरी कर दी और मैक्सवेल 130 रन पे मैक्सवेल को हो गई क्रैम्स, जैसे कि मोहम्मद रिजवान को भी क्रैम्स हुए थे इसी तरीके से मैक्सवेल को भी हो गए क्रैम्स 130 मैक्सिमम या 135 रन के ऊपर, और जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया को अभी भी चाहिए थे कोई 110 रन या तकरीबन 100 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, बट आज जो देखने वाली मैक्सवेल की बारी ये थी वो ये था कि मैक्सवेल ने आज खड़े खड़े जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उसको जो सपोर्ट दी मैक्सवेल को सामने से उनके कैप्टन पैट कमिंस ने सपोर्ट दी, जिसका काम यह था सिर्फ कि भाई तुम्हें आउट नहीं होना, तुम्हें आउट नहीं होना, तुम्हें विकेट बचानी है, तुम्हें रन भी नहीं बनाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आउट नहीं होना बस, तो उसको ये वाली माइंडसेट में बात पता थी भाई मुझे आउट नहीं होना, बाकी मैक्सवेल संभाल लेगा पूरा मैच। उसने यही किया, उसने 66 बॉल्स पे 11 रन बनाए, मतलब गाइस आप लोग इमेजिन करो वन डे मैच चल रहा है 292 ऑस्ट्रेलिया को चेस करने है, पीछे 7 खिलाड़ी आउट है, वो बंदा 11 रन बनाता है 66 बॉल्स पे, तो उसका काम क्या था सिर्फ को क्रीज पे स्टे करना, तो यार ये होती है मेंटेलिटी, ये होता है गेम प्लानिंग, और मैक्सवेल ने कहा कि भाई मारने वाला काम मेरा है। इन दोनों की 202 रन की पार्टनरशिप हुई जिसमें सिर्फ 11 रन बनाए पैट कमिंस ने, इसका मतलब ये कि 191 रन बनाए मैक्सवेल ने इस पार्टनरशिप के अंदर। मैक्सवेल ने जो गेम खेला आज इसलिए तारीफ की दात बनती है मैक्सवेल की, कि मैक्सवेल को जब 130-135 रन तक क्रैम्प्स हो गए थे उस बंदे से ना रनिंग की जा रही थी कुछ नहीं, लेकिन उस बंदे ने यार जिस तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल किया उस बंदे ने, और जो छक्के चौके मारे खड़े खड़े भाई वो तो देख ही रहा था शॉट मारने की बॉल जा कर रही है, तो यार एज अ क्रिकेट फैन मतलब यार जो बैटिंग आज मैक्सवेल ने की है शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी में अपनी ऐसी बैटिंग नहीं देखी कि यार एक एंड से एक कैप्टन जो है सिर्फ रोक रहा है ओवर्स को, पूरे पूरे मैडन खेल रहा है और सामने वाला बंदा क्या ही पावर हिटिंग कर रहा है खड़े खड़े, और उससे ना भागा जा रहा है ना हिला जा रहा है, सिंगल भी नहीं ले सकता था वो, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, लेकिन भाई मैक्सवेल भाई तुम्हें सैल्यूट है यार, तुम्हें सैल्यूट है, जो तुमने आज इनिंग खेल दिया ना ये हिस्टोरिकल इनिंग हो गई, और ये शायद हिस्ट्री में लोग इसको अगले 50 साल आने वाले जो ना इसको इनिंग को नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से हमारे फखर भाई ने 400 रन चेस करते हुए जो इनिंग खेली थी वो भी एक बेहतरीन इनिंग्स थी,
फखर जमान की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फखर जमान की इनिंग्स से बहुत ऊपर जो असनाज बंदे ने खेल दिया ना, वन मैन शोज बंदे ने किया, और ये टीम को उसने गेम जितवा दिया, और उसने खुद अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट करी उस बंदे ने, और मतलब यार सैल्यूट है मैक्सवेल भाई, सैल्यूट है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दी। इमेजिन जो 91/7 होती है ऑस्ट्रेलिया, वो उसी 3 विकेट से मैच जीत जाती है, वो भी कोई 20-25 बॉल्स पहले, और ऑल क्रेडिट गोज टू मैक्सवेल यार, जो इसने इनिंग खेल दिया आज, अनबिलीवेबल। तो खैर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। तो इस वर्ल्ड कप में 3 टीमें अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस चौथी टीम का है सबको इंतजार, वो चौथी टीम कौन सी होगी। तो सीन इस तरीके से हो गया है वर्ल्ड कप के अंदर के अब जो अगला मैच है जो इम्पोर्टेंट है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का एक मैच है परसों, और उसके बाद जो मैच है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का, और उसके बाद मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। तो अब ये देखना है कि अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है तो अफगानिस्तान की भी हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को हराता है तो न्यूजीलैंड के भी हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर पाकिस्तान भी इंग्लैंड को हराता है तो पाकिस्तान की भी हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। बात आ जाएगी रन रेट के ऊपर कि जिसका रन रेट सबसे अच्छा होगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि सेमीफाइनल जो अभी तक जो अच्छा है देखने में वो है न्यूजीलैंड का। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर अफगानिस्तान के भले अफगानिस्तान हरा भी रहे, अगर अफगानिस्तान को बहुत अच्छा रन रेट करना पड़ेगा अपना प्लस में आने के लिए, अफगानिस्तान अभी -0.34 है। इसके बाद आती है बात न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच, अगर या तो बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाते हैं, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराती है तो पाकिस्तान के पास फेवर होगा, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट अच्छा अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान अगर इंग्लैंड को हराते तो पाकिस्तान पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। तो बस हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही कोई ये जो कुदरत का निजाम आज चला ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, यही कुदरत का निजाम पाकिस्तान के मैच में भी चल जाए, यही कुदरत का निजाम श्रीलंका वाले मैच में भी आ जाए कि बारिश हो जाए और बारिश होती रहे और बारिश ना रुके, और जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच ड्रॉ, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाए, कुदरत का निजाम पाकिस्तान वाले मैच में आ जाए, पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया तो ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा मोहाली में। तो यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं, और मैं दुआ यही करता हूं कि हमें इंडिया को दोबारा फेस करने और इस बारी जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे, और इंशाल्लाह ताला इस बार इंडिया को हराएंगे। तो यार लेकिन बात करते हैं दोबारा से आज के मैच में, यार जिस तरीके से आज ग्लेन मैक्सवेल ने खेल दिया भाई, सैल्यूट टू बॉस यार, तुमने जो इनिंग खेल दिया इसके बाद शायद मैंने अपनी क्रिकेट किंग लाइफ में और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी। खैर तो बड़ा मजा आया मुझे क्रिकेट देख के, वैसे तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई मैच चला है, लेकिन जब मुझे पता लगा ऐसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों ने बोला भाई मैच देखो, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगी, तो मैंने मैच देखना शुरू किया, तो यार मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर आज जो है ना एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।